हाँ जी, जागती आंखों को सुनते कानों को मेरा सलाम। एक दफा फिर निकले हैं जी आज। मैंने कहा ट्रैवल को काफी अरसा हो गया था, क्योंकि इधर सर्दियां आ गई थी और सर्दियों में ना हम इधर इग्लू बना के उसके अंदर चले जाते हैं, तो तीन चार महीने ना अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो अब फरवरी का मौसम आया तो थोड़ी सी धूप शूप निकलनी शुरू हुई है। सूरज एक नाम होता है इधर, कम ही बंदों को पता क्या चीज़ होती है, लेकिन वो अब निकलना शुरू हुआ है। तो इसलिए फिर आज एक सोचा कि छोटा सा टूर किया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं एक इधर जगह है, थोड़े से पहाड़ भी हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है, और जाके देखते हैं क्या। यहाँ अभी मोटरवे पे रुके हैं, यहाँ सुसु वगैरह किया और चाय वगैरह पी, और अब देखते हैं कि आगे क्या सीन है। हाँ जी, अभी हम आए हैं अपनी जगह नंबर वन पे। नंबर वन क्या है, एक ही जगह है ये। इधर आप बस चेक करें कि पुराने दरख्त लगे हुए हैं, ये पीछे से पानी गुजर रहा है, बड़े शशके हैं इस जगह के। मैं पहले इधर एक दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन इधर बिल्कुल 5 मिनट रुक के जगह चेक करके ये डिसाइड किया था कि दोबारा आएँगे इधर। तो आज भी दोबारा मौका मिला, आज दोबारा आएँगे, इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद देखते हैं फिर इसके जगह के आगे क्या शशके हैं और क्या मज़े हैं। हाँ जी, अभी हमारी हाइक शुरू हो गई है। इधर से हमने हाइक करनी है, तकरीबन 7 किलोमीटर हाइक है टोटल, और 4 से 5 घंटे लगेंगे। पर रोड के दोनों साइड पे पहाड़ हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो हमने डिसाइड किया लेफ्ट साइड से चलते हैं। अब देखते हैं ये पहुंचती है या नहीं पहुंचती, नहीं कि फिर वापस आना पड़ेगा। और बस ये साथ जरूर देखें, पानी रुका हुआ है, वाटरफॉल बह रहा है, मज़े हैं। हाँ जी, हुआ ये कि पहला रास्ता था गलत, ठीक है हम लेफ्ट साइड पे गए वो गलत था, अब राइट साइड पे आए क्योंकि इधर से प्रॉपर टिकट लेके ऊपर जाना पड़ता है। और इधर इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं जो सीधी ऊपर जाती हैं, फिर उसके बाद हाइक शुरू होता है। बस ये थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, मतलब सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ पौड़ियाँ, ये जो नज़र आ रही हैं ये भी थोड़ी हैं, इसके आगे ये ऊपर इसी तरह सारी स्टेज जाती हैं। तकरीबन जो नज़र आई हैं वो 25% है, और ऐसी 4 और हैं। चलें देखते हैं कि स्टेज का कैसा एक्सपीरियंस है। अभी शुरू हो गई है ऊपर पहुंच के, फिर देखते हैं अगर पहुंच के तो। यादी हुई और एक बाबा मिला, वो कहते हैं 128 और रह गई हैं, बस आधा चढ़ने के बाद भी 128 और रह गई हैं। हाँ जी, पहुँचाए टॉप पे फाइनली। इधर बैठा, ड्रोन शॉट्स लिए, व्यू वगैरह एंजॉय किया। अब नीचे जा रहे हैं जिधर से ये रोड गुजरती है, थोड़ी देर उधर देखेंगे, रोड की तस्वीरें वगैरह लेंगे। तो काफ़ी अच्छी वॉक थी, काफ़ी अच्छी हाइक थी, ज़बरदस्त सीन हो गया आज। एक छोटा सा ट्रिप था, ज़बरदस्त प्लान हो गया। अभी इधर कोई देखेंगे, कोई खाने की जगह मिल जाए तो खाना खा के घर की तरफ चलेंगे, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सारे। ये बस आप ना इस जगह के ना शशके और मज़े चेक करें। छोटी वॉक है, छोटी हाइक है, काफ़ी अरसे बाद की है क्योंकि सर्दियां आ गई थी, गैप पड़ गया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अच्छा दिन रहा, मौसम भी अच्छा था। लेकिन अब सर्दी होनी शुरू होगी क्योंकि धूप ख़त्म होगी, और बादल ये मेरे पीछे देख सकते हैं, काले बादल आ गए हैं, और ये हम चैटर जो है उसके बिल्कुल टॉप व्यू पर खड़े हैं। तो अब मैं आप व्यू चेक करें और हम इतनी देर तक वापसी का रास्ता चेक करते हैं।